दोस्तों आईपीएल 2019 का मैच नंबर 27 खेला जाना है मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच में मुंबई इंडियंस के होम ग्राउंड यानी वानखेड़े स्टेडियम में ये मैच खेला जाना है। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कशन करने वाले हैं कि कौन सी टीम इस मुकाबले को जीत सकती है। वीडियो में देखने वाले हैं 6 फैक्टर्स। पहला फैक्टर है दोनों ही टीम्स की प्लेइंग 11 क्या कह रही है, पिच रिपोर्ट क्या है, हेड टू हेड मैचेस में किस टीम का पलड़ा भारी है, की प्लेयर्स कौन से रहने वाले हैं जिन्हें आप ड्रीम 11 की टीम में ट्राई कर सकते हैं। नंबर 5 पर देखने वाले हैं प्लेयर बैटल और नंबर 6 पर डिस्कस करने वाले हैं आज के मैच की क्या ड्रीम 11 की टीम हो सकती है और कहां पर आप इसे खेल सकते हैं। वीडियो शुरू करें इससे पहले दोस्तों, अगर आप एक क्रिकेट फैन है तो क्रिकेट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए आप आरएस एंटरटेनमेंट को तो सब्सक्राइब करिएगा ही, साथ ही साथ अपनी क्रिकेट नॉलेज से घर बैठे लाखों रुपए कमाने के लिए आप अभी नॉस्ट्रा प्रो ऐप को डाउनलोड करें, जहां पर आपको मात्र 15 क्वेश्चंस के आंसर्स देना होगा और जिनके आंसर देने से आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो आप अभी नॉस्ट्रा प्रो को डाउनलोड कर लीजिए और अगर आप इस ऐप को अभी डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड करते हैं तो आपको अभी आपके वॉलेट में 100 रुपए ऑलरेडी मिल जाएंगे। तो दोस्तों अब अगर हम बात करते हैं कि दोनों ही टीम्स की क्या प्लेइंग 11 रहने वाली है, तो सबसे पहले मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 को देखते हैं। इनकी न्यूज़ में आपको बताऊं तो रोहित शर्मा की वापसी हुई है और एक और न्यू प्लेयर की यहां पर वापसी हुई है। कहीं ना कहीं 3 चेंजेस यहां पर होने वाले हैं। तो इन सभी चेंजेस के बाद अगर हम प्लेइंग 11 को देखते हैं तो जो रहने वाली है रोहित शर्मा, इनके बाद अगर देखा जाए तो एवन लुइस, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, कायरन पोलार्ड, कृणाल पांड्या, हार्दिक पांड्या, राहुल चहर, लसित मलिंगा, जेसन बैरनडॉर्फ और जसप्रीत बुमराह। दोस्तों आपको यहां पर 3 बड़े चेंजेस दिखाई दे रहे होंगे, वो रहने वाले हैं। पहला चेंज सिद्धेश लाड़ की जगह पर रोहित शर्मा की वापसी हुई है, वो इसलिए क्योंकि रोहित शर्मा पूरी तरह से फिट है और आज का मुकाबला वो खेलने वाले हैं, 100% श्योर्ड बात है। बात करते हैं दूसरे चेंज की, जो रहने वाला है ईशान किशन का। ईशान किशन का कैसा चेंज, ईशान किशन का चेंज विकेट कीपर के तौर पर ईशान किशन खेलने वाले हैं आज के मुकाबले में और एक ओपनर के तौर पर क्विंटन डिकॉक की जगह पर एवन लुइस की वापसी हुई है। तो ये यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चेंज होने वाला है। लास्ट ईयर भी एवन लुइस ने हाल फिलहाल जैसी भी इनकी परफॉर्मेंस थी ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस थी, तो ऐसे में ये भी एक चेंज होने वाला है। तीसरा चेंज होने वाला है अल्जारी जोसेफ की जगह पर लसित मलिंगा की वापसी होने वाली है, वो इसलिए क्योंकि आईपीएल में जिस प्रकार से एक्सपीरियंस काम आ रहा है ऐसे में एक बार फिर देखने को मिला। अल्जारी जोसेफ ने 6 विकेट्स जरूर से लिए डेब्यू मैच में, लेकिन इसके बाद सेकेंड मैच में ये बिल्कुल से हार गए, बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। ऐसे में लसित मलिंगा की वापसी यहाँ पर होने वाली है। बात करते हैं हम राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 की, तो जो रहने वाली है जॉस बटलर, अजिंक्य रहाणे, संजू सैमसन, राहुल त्रिपाठी, एस्टन टर्नर, बेन स्टोक्स, रियान प्रयाग, इनके बाद देखा जाए तो जोफ्रा आर्चर, श्रेयस गोपाल, जयदेव उनादकट और धवल कुलकर्णी। आपको यहां पर एक चेंज दिखाई दे रहा होगा, वो रहने वाला है स्टीवन स्मिथ की जगह पर एस्टन टर्नर। एस्टन टर्नर को क्यों चेंज किया जा रहा है अगर स्टीवन स्मिथ अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो वो इसलिए क्योंकि स्टीवन स्मिथ जिस प्रकार से बैटिंग कर रहे हैं इनका अभी स्ट्राइक रेट बेहद कम है, वो अपनी जगह बनाना चाह रहे हैं और ऐसे में टीम को कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ रहा है। और एस्टन टर्नर को बेंच पर बिठाने के लिए तो नहीं रखा होगा इन्होंने, ऐसे में एस्टन टर्नर इस मुकाबले में पक्की खबर है कि स्टीवन स्मिथ की जगह पर खेल सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर टीम मैनेजमेंट चाहता है तो स्टीवन स्मिथ ही खेलते हुए दिखाई देंगे। बात करते हैं हम इस मैच की पिच रिपोर्ट की। मैच खेला जाना है वानखेड़े स्टेडियम में, ड्यू फैक्टर यहां पर काम नहीं करता है, हाई स्कोरिंग मैच होता है, बैटिंग फ्रेंडली पिच है, तो दो बात यहां पर कन्फर्म है, बैटिंग फ्रेंडली पिच है और हाई स्कोरिंग मैच होने वाला है। खास बात यह है कि जो भी हाई स्कोरिंग मैच होता है अगर आप 200 से प्लस का टारगेट भी देते हैं सामने वाली टीम को तो वो कहीं ना कहीं इजीली चेज हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक इंटरेस्टिंग बैटल देखने को मिलने वाली है कि 200 प्लस के बावजूद यहाँ पर स्कोर चेज होता है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर चेजेबल ग्राउंड है और हाई स्कोरिंग मैच है और चेजेबल स्कोर हो जाता है। बात करते हैं हम हेड टू हेड मैचेस की, तो दोनों ही टीम्स के बीच में अब तक 23 मैचेस खेले गए हैं जिनमें से 11 मैचेस जीते हैं मुंबई इंडियंस की टीम ने, 10 मैचेस जीते हैं राजस्थान रॉयल्स की टीम ने और एक मैच का नो रिजल्ट रहा है, यानी रिजल्ट नहीं आया है। तो ये भी कंफर्म बात है, यहाँ पर साफ तौर पर मुंबई इंडियंस की टीम मात्र एक मैच से आगे दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करते हैं ड्रीम 11 की टीम की, तो जो आपको यहाँ नहीं मिलने वाली है ड्रीम 11 की टीम आपको मिलने वाली है टेलीग्राम चैनल पर, तो फटाफट जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और लगातार वहाँ पर ड्रीम 11 की टीम्स प्रोवाइड कराई जा रही हैं जिनके चलते आप
डेली मैचेस में फायदे उठा सकते हैं और ड्रीम इलेवन पर आपको फायदा होने वाला है। तो फटाफट जाइए, सभी लेटेस्ट न्यूज वहां पर मिल जाती है। प्लेयर के इंजर्ड होने की, प्लेयर के एंट्री होने की, आउट होने की सभी लेटेस्ट न्यूज वहां पर मिलती है। तो ड्रीम इलेवन के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो वही दोस्तों बात करते हैं मैं अपनी पर्सनल प्रिडिक्शन की, तो मेरे हिसाब से इस मैच के लिए मुंबई इंडियंस की टीम जीतने वाली है। वो इसलिए क्योंकि इनके पास होम एडवांटेज है, हेड टू हेड मैचेस में एक मैच से ये हारे हैं, विनिंग स्ट्रीक इनके पास है। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से मुंबई इंडियंस की टीम जीतने वाली है। आपके हिसाब से कौन सी टीम जीतने वाली है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और आईपीएल से रिलेटेड कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस, प्रेडिक्शन वीडियोस लगातार पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।